ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਟੀਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੀ ਫੋਨ ਕਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਈਏ ਬਾਹਰ ਓਹੋ ਇਤਨਾ ਸ਼ੋਰ ਅਰੇ ਬਸ ਵੀ ਕਰੋ ਅਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਦੇ ਤੁਮ ਲੋਗ ਤੋ ਮੁਝਕੋ क्या आप भी एक ही न्यूज चैनल देख रहे हो सुबह से? इतने पैसे केबल ऑपरेटर को भर दिए हमने और फिर भी आप एक ही न्यूज चैनल के पीछे पड़े। अरे और भी न्यूज चैनल से डब्बे में देखते रहो। हाँ हाँ ले रिमोट, अब तू ही दिखा कोई अच्छा सा न्यूज चैनल मुझको नलायक। हाँ लाओ रिमोट, मैं ही लगाता हूँ कोई अच्छा सा चैनल। अरे ये क्या, आज सभी न्यूज चैनल में एक ही न्यूज क्यों दिखा रहे हैं? बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं। लगता है न्यूज चैनल वाले भी आज बेरोजगार हो गए हैं, इसीलिए उनके पास आज कोई न्यूज नहीं बची और आज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो। अबे गधे, आज कोई अमीर और मशहूर आदमी मर गया है, इसीलिए उसकी न्यूज आज दिन भर चलेगी सभी चैनलों में। कमाल है सारा, जब कोई अमीर और मशहूर आदमी मरता है तो न्यूज चैनल वाले दिन रात उसके बारे में बताते हैं, उसने ये किया उसने वो किया, पर जब कोई देश का सैनिक शहीद होता है तो उसकी बात को दबा देते हैं। किसी का तो पता नहीं बेटा, पर तेरा जरूर पता है, जिस दिन तू मरेगा तेरी न्यूज मैं जरूर चैनल में लगवाऊंगा। वैसे भी आजकल न्यूज चैनलों में कोई मजा ही नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो अब आपके मजे के लिए न्यूज चैनल में फैशन शो चला दिया करेगा? बदतमीज, अपने बाप से ऐसे बात करेगा? अच्छा सुन, वैसे आजकल ऐड आ रही है कि अपने पसंद के चैनल चुनो और उन्हीं के पैसे भरो। क्या इसका मतलब पहले हमें लूट रहे थे हराम खोर कहीं के, इतने इतने पैसे भरवा लिए? और क्या, देखना तो एक दो चैनल होता था और पैसे सभी चैनलों के भरा लेते थे नलायक। ले सुन, मैंने ये लिस्ट बनाई है चैनलों की और इन्हीं को सिलेक्ट करके और इन्हीं के पैसे दे के आना और सभी चैनल बंद करवा देना तू। हाँ लाओ पिताजी, अच्छा किया जो आपने चैनल की लिस्ट बना ली। लाओ मैं भी तो देखूं कौन से चैनल इसमें। आस्था चैनल, आज तक चैनल, सोनी टीवी। अरे पिताजी इसमें मेरे टाइप का चैनल एक भी नहीं है, क्या बात। अच्छा ठीक है, जो तुझे चैनल पसंद है वो भी ऐड करवा लेना और सिर्फ उसी के पैसे ही देकर आना। ओके पिताजी, अभी चैनल करवा के आया सेलेक्ट में, और जो मैं चैनल सेलेक्ट करूंगा आप देखना वो सभी बम होंगे बम। अच्छा जी, आपको सब पता है कौन किसके साथ है? वेरी फनी, वेरी फनी। अरे छोड़ ना यार, मुझे सब पता है किसकी किसके साथ सेटिंग है। अरे छोड़ो, और सुना क्या हाल है? हेलो जी पापा जी, बोलिए। हराम खोर कुत्ते कमीने, तू है कहाँ? कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर सकता तू भी। जी पापा जी, मैं घंटा के पास बैठा हूँ, उसके पास थोड़ा काम था मुझे। और आप इतने गुस्से में क्यों हैं पापा जी? गुस्सा ना करे तो क्या तेरी आरती उतारू? हराम खोर, जो लिस्ट मैं तुझे दी थी उनमें से एक भी चैनल नहीं चला, पर तेरी गंदी सोच वाले चैनल चल रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं पापा जी, किसकी गंदी सोच, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे पहले जैसे भी थे कुछ देखने लायक चैनल तो चलते थे, पर तू साले जब से गया है सभी चैनल बंद हो गए और सिर्फ एक चैनल चल रहा है, वो भी फैशन शो चैनल, और उसमें कपड़े पहने हुए नंगी नंगी लड़कियां कभी इधर घूम रही है कभी उधर। साला तो ये टाइप था तेरा चैनल का? घर आ तुझे, आज तेरे फैशन का शो मैं बिगाड़ता हूँ, घर आ जल्दी आ तू। क्यों? अरे नहीं नहीं पापा जी, मैं अभी ठीक करवा के आता हूँ, अभी जाता हूँ।